हाय एवरीवन, तो कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया सब। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पैंट का साइज जो है वो किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था मुझे कमेंट के ऊपर। लोग पूछ रहे थे, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कि सर पैंट का जो साइज है, जो आप कटिंग करते हैं उसका साइज जो है वो प्रॉपर किस तरह से लिया जाए, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और हाँ, मैं डिटेलिंग में एक ही चीज बताने की कोशिश करूंगा, ये विद प्लेट प्लेट जो होती है पैंट, या विदाउट प्लेट पैंट जो होती है, उनका साइज प्रॉपर इसी तरह से लिया जाता है जिस तरह से मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। जितना भी पैंट का कटिंग मैं करता हूं, उनका साइज जो है वो प्रॉपर राउंड जो पूरा साइज होता है प्रॉपर वही लेता हूं मैं। साइज लेते समय उसमें जो लूजिंग होता है वो बाद में ऐड होता है, कि मेरे को सपोज जैसे थाई है तो मैं थाईज का साइज लूंगा। जैसे इसका थाई का साइज आ गया मान लो 22 इंचेस, तो उसमें जब कटिंग में मैं 2 इंच ऐड करता हूं, यानी कि 24 इंच में तैयारी रखूंगा थाई का। यही दिक्कत आ रहा था मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको, कि आपको लूजिंग कितना रखना है कटिंग में और साइज को प्रॉपर किस तरह से लेना है। तो जो लूजिंग है वो मैं तैयारी का बाद में रखता हूं, पहले बॉडी मेजरमेंट पूरा किस तरह से लिया जाता है पेंट का, उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह से पैंट का मैं कटिंग करता हूं, उसका साइज किस तरह से लिया जाता है, तो उसको जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने क्लाइंट को इस तरह से सीधा खड़े कर लेना है 90 डिग्री पे। उसके पाओ के बीच में, दोनों पाओ के बीच में जो गैप है वो 1 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये देखो, ये यहां पर इसके पाओ के बीच में 1 फीट से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इतना ही खुला रखना है, पाओ जोड़ने भी नहीं है आपस में, ठीक है। और सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट को इस तरह से सीधा करने के बाद उनको बोलना है कि आपको पैंट जहां पे बांधनी है आप अपना उस जगह पे पोजीशन ले आओ अपनी जीन की, क्योंकि इन्होंने इस समय डेनिम पहना हुआ है, तो ये आप यहीं पे पहनोगे पैंट, ये आपने जरूर पूछना है अपने क्लाइंट से। और सबसे पहले हमने कमर का साइज किस तरह से लेना है, ये देखिए, ये यहां से इस तरह से बैक से पूरा इस तरह घुमाते हुए आपने यहां पर इनका मेजरमेंट के साथ इस तरह से लेना है। और आपका केवल और केवल 1 फिंगर जो है ये होना चाहिए बीच में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से टाइट करके पूछ लेना है आपने क्लाइंट को कि क्या ये टाइट लग रहा है आपको, तो आपने थोड़ा सा इसको मेजरमेंट टेप को इस तरह से लूज करना है और ये पोजीशन इनका बन जाएगा। इनका जो एग्जैक्टली कमर आ रहा है वो आ रहा है 36.5 इंच, ठीक है। क्लियर? ये देखिए, आप कैमरे से एकदम मैं पास करके बता देता हूं, आपने केवल और केवल 1 फिंगर जो है वो बैक साइड पे रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने मेजरमेंट इस तरह से लेना है, ये देखिए, ना ज्यादा लूज लेना है और ना ही ज्यादा इस तरह से टाइट करना है, एकदम प्रॉपर जिस तरह से आएगा फिंगर रखने के बाद, यहां से कमर का साइज हो गया। क्लियर? इसके बाद हमने हिप का साइज मेजरमेंट टैप को इस तरह से ऐसे हमने पीछे कर देना है, ये देखो, इस तरह से ऐसे पीछे जाने देना है। और हिप का साइज आप कभी भी इस तरह से सामने से मत लेना, ठीक है। हिप का साइज सामने से कभी नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है बात। हिप का साइज हमेशा आपने इस तरह से घूम जाना है और यहां साइड से लेना है, ये जो साइड होता है यहां पे आपने इस तरह से लेना है, ये देखो। क्लियर? प्रॉपर पूरा राउंड, इसमें भी आपका 1 फिंगर ही पीछे होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये आ रहा है जैसे इनका 39.5 इंच। क्लियर? ये देखो, ये मेजरमेंट टेप को आप अच्छे से फॉलो कर लो, ये 39.5 आ रहा है। यहां से ये जो बैक है, ये जो बैक पोजीशन है इसका, ये देखो, ये यहां पर पूरा सेंटर में होना चाहिए, ये जो पोजीशन है ये एकदम सेंटर में होना चाहिए। और ये इनका जो साइज है ये 39.5 बैठ रहा है इनका राउंड हिप का साइज। और इसके बाद हमारा आ जाएगा लेंथ का, लेंथ का साइज किस तरह से लेना है, ये देखो, ये मेजरमेंट टेप का ये वाला साइड जो है ये ऊपर की तरफ कर लेना है, यहां पे रखते हुए आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि जो आपको मेजरमेंट चाहिए वो कहां तक चाहिए। ये देखिए, अगर एंकल लेंथ चाहिए तो जहां से उनका शूज जो है
वो शुरू हो रहा है ऊपर की पोर्शन से, वहां तक आपने लेंथ लेना है। अगर प्रॉपर लेंथ चाहिए तो ये जो सोल होता है शूज का, यहां तक आपको लेंथ लेना है, ठीक है। तो इनका लेंथ जैसे पूरा सोल तक आ रहा है 38 इंचेस, क्लियर। तो ये 38 इंचेस इनका प्रॉपर लेंथ है, ये शॉर्ट नहीं है। उसके बाद लेंथ लेने के बाद हमने इनका ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये पिन्नी होती है, ये हैवी होता है हमारा थाई के बाद, ये पोर्शन हैवी होता है नी के नीचे वाला, ये पॉइंट भी आपने इस तरह से मेजर जरूर करना है कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है इनका 15.5 इंच, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा हमारा थाई का, इस तरह से मेजरमेंट टेप को ये देखो पीछे से पकड़े रखना है और मेजरमेंट टेप को हमने इस तरह से घुमा के ऊपर कर देना, ये देखो यहां जहां तक ऊपर जाएगा इस तरह से ऊपर करना है, और यहां से घुमा के इस तरफ से खींच के आपने यहां पे पूरा प्रॉपर इस तरह से साइज लेना है। ये भी लूज नहीं लेना है, क्लियर। मैं बता रहा हूं अपनी जो विदाउट प्लेट पेंट की मैं कटिंग करता हूं उसमें थाई का जो राउंड साइज होता है पूरा वो मैंने इस तरह से लेना है, ठीक है। ये जैसे 24.5 आ रहा है, इसमें कटिंग में हम 2 इंच प्लस करेंगे, ज्यादा नहीं प्लस करेंगे, ये सेमी फिट बन जाएगा, ना ज्यादा लूज होगा ना ज्यादा टाइट होगा। तो ये प्रॉपर जो राउंड हो है इसका, ये साइज जो है 24.5 इंच इनके थाई का साइज आ रहा है। इसके बाद मेन जो पोर्शन आता है, बहुत दिक्कत आती है लोगों को कई बार कि सर गिदरी का साइज जो है वो किस तरह से ले। तो हमने ऊपर से लेंथ इनके शूज तक लिया था, क्लियर, शूज का जो सोल है जहां से शुरू होता है वहां तक हमने लेंथ लिया था। अब हमने मेजरमेंट टेप का ये साइड पकड़ लेना है, ये देखो इस तरफ ये जो बक्कल होता है ना ये ज्यादा बड़ा होता है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे मेटल का पीस ये ज्यादा बड़ा होता है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से येलो वाले पोर्शन को हमने घुमा लेना है क्योंकि अब इस तरफ से जो इंचेस जो है इस तरफ से शुरू हो जाएंगे, यहां पे हमने रखना है। ये देखो ये यहाँ पे आपने देखो ये जो मेजरमेंट टेप है इसको हमने यहाँ पे ऐसे ऊपर रख देना है और एक फिंगर यहाँ पे रख देना है और यहां से हमने सोल को देखना है कि ये कहां तक आ रहा है, ये देखो ये यहां तक आ रहा है, क्लियर। तो इनका जो इन सीम का लेंथ हो गया वो 29 इंचेस हो गया। इस हिसाब से ही हमने साइज लेना है। ट्राउजर का साइज लेते समय हमें लास्ट जो पोर्शन है हमारा वो आ जाता है हमारा बॉटम का। तो बॉटम का साइज जो है वो किस तरह से लिया जाता है वो आप देखें ध्यान से। यहां से हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को यूं घुमा देना है इनके पैर के इस पिछली साइड पे और यहां पे हमने इस तरह से चेक करना है कि इनको फॉल कितना चाहिए, क्लियर। अगर तो इनको जो है वो जैसे नैरो बॉटम आते हैं तो उनके लिए 13 चलेगा, अगर नॉर्मल चाहिए ना ज्यादा लूज ना टाइट तो 14 चलेगा। ये देखो ये फॉल यहां तक आएगा, इसका जो पेंट का फॉल होगा बॉटम का वो यहां तक आएगा पैर के इस पोजिशन पे, क्लियर। तो ये था मेरे भाई बंधुओं जिनको दिक्कत था कि हमारा साइज जो है वो पैंट का किस तरह से लिया जाए, तो मैंने डिटेलिंग में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहां पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आसन का साइज नहीं लिया, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं जब हम लेंथ का निशान लगाएंगे प्रॉपर पूरा इन सीम का निशान लगाएंगे तो आसन का साइज जो है वो अपने आप निकल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। Goodbye.